अजय सर बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज की जो हमारा टॉपिक है वो है सफेद सोना। बिल्कुल, आप पहले हम सुनते हैं कि ज्यादा करके सोने का रंग पीला होता है, बट ऐसा नहीं है। जो चीज रिटर्न देती है उसको सोना भी कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं हमारी लैंड है वो भी सोना है, तो वैसे सफेद सोना मतलब कॉटन की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर फॉर कॉटन है, और कॉटन के प्राइसेस में अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा उतार चढ़ाव हमने पिछले कुछ सालों में देखा। मैं उतार तो नहीं बोलूंगा, मैं चढ़ाव ही बोलूंगा। अगर आप ये चार्ट देखते हैं तो 2021 में हमने प्राइसेस को लगभग अगर देखें तो 150% की तेजी हमने पिछले एक डेढ़ साल में देखी है। और रिसेंटली हमने देखा प्राइसेस 50,000 का लेवल छूने के बाद एक गोता लगाता हुआ दिखाई दिया, जो इस वक्त 30,000 के करीब पहुंच चुका था। इसके कारण है प्रोडक्शंस को लेकर, क्योंकि इस बार माना ये जा रहा था कि बम्पर प्रोडक्शन होने वाला है जिसके चलते ये गिरावट आई है। बट आप ये कि पैंडामिक के बाद, पैंडामिक में हम कहीं बाहर नहीं गए थे, लॉकडाउन का सिनेरियो था, पैसिमिस्टिक था, फंक्शंस कुछ नहीं हो रहे थे। एक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 32 लाख शादी अगले एक महीने में होनी है, तो कॉटन की डिमांड तो वैसे भी बढ़नी है। तो अब हमने जो प्रोडक्शन बढ़ा है उसकी वजह से एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी है, बट कहीं ना कहीं अब ये उछाल लेना चालू कर चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग हमने 6% की तेजी कॉटन के प्राइसेस में देखी, क्योंकि तेलंगाना इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट, हम बोल सकते हैं टॉप 3 में आता है जहां पे हम प्रोडक्शन देखते हैं। यहां पे हमने रेन की वजह से, पेस्ट अटैक की वजह से प्रोडक्शन में लॉसेस आते हुए देखी, जो क्वालिटी है वहां पे हमने इंफीरियरिटी होते हुए देखी है। साथ में फार्मर भी बोल रहे हैं कि MSP 12,000 पर क्विंटल है वो हमें मिलनी चाहिए, जिसके चलते फार्मर लोअर लेवल्स पे माल बेचना नहीं चाहते हैं। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमने कॉटन के प्राइसेस में जंप आते हुए देखा। एक दूसरी चीज ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रोडक्शन बढ़ा है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन नहीं। अगर आप पिछले 3 साल के एवरेज की बात करें तो जहां हम लगभग 350-360 लाख बेल के आसपास का प्रोडक्शन करते थे, पिछले साल हमने 307 लाख बेल के आसपास का प्रोडक्शन किया था। इस बार उसके मुकाबले मजबूत है जरूर, लेकिन अगर आप 3 साल से 4 साल का एवरेज निकालोगे तो अभी भी हम शॉर्टेज में, क्योंकि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है या कैरियर स्टॉक है वो काफी कम हो चुका है। तो इंडिया का अगर आउटपुट की अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले जरूर बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले साल 307.5 लाख बेल के आसपास था, इस बार ये बढ़कर 340-345 के करीब है। बट लुकिंग टू द डिमांड, क्योंकि अब जो कंसर्न है वो डिमांड, क्योंकि पेंडेमिक खत्म हो चुका है, रिसेशन के फियर थे वो ऑलरेडी मार्केट में मैच्योर हो चुके हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करता है तो कहीं ना कहीं कॉटन के प्राइसेस में जबरदस्त तेजी बनेगी, नो डाउट। चाइना में भी हमने देखा कि जो चाइना है, पाकिस्तान है, यहाँ पे हमने जो प्रोडक्शन लॉसेस देखे इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट भी टाइट रहेगा। ओवरऑल अगर हम सम अप करते हैं मेजर पॉइंट्स को, तो CII ने रिसेंटली एस्टिमेट किया था 360 लाख बेल का प्रोडक्शन, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रोजेक्ट किया है 341 या 342 लाख बेल के आसपास, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा इंप्रूव जरूर दिखा रहा है, बट पिछले 3-4 सालों के एवरेज की बात करें तो आज भी हम शॉर्टेज में दिख रहे हैं। इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन इस बार थोड़ा बढ़ जरूर रहा है, बट उसके मुकाबले अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड में भी रैपिड ग्रोथ है। इससे पहले जो गिरावट आई थी उसका कारण था, USDA की रिपोर्ट बता रही थी कि लगभग 2% के आसपास का एनुअल प्रोडक्शन इस बार बढ़ा है, लेकिन जो कंजम्पशन है वो रिसेशन फियर की वजह से थोड़ा कम आका जा रहा था। बट ये माना जा रहा है कि रिसेशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट जो लिक्विडिटी प्राप्त करवा रही है ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन को और सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे, क्योंकि जैसे हम इक्विटी के अंदर बैलेंस शीट देखते हैं, कमोडिटी के अंदर भी बैलेंस शीट होती है, जो हमें 360 डिग्री बताता है कि मार्केट में सिनेरियो क्या है। तो हम डायरेक्टली प्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए 19-20 में जो प्रोडक्शन था 120 के आसपास था, 20-21 में जो तेजी आई उसका कारण था कि प्रोडक्शन 120 के मुकाबले 111 हुआ, 21-22 में 115 थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन इस बार प्रोडक्शन बताया जा रहा है कि अच्छा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, जिसके चलते हमने देखा था कि प्राइसेस में गिरावट है। लेकिन सम अप करते हैं एंड स्टॉक टू यूज रेशियो में, तो यहाँ पे आप देखिए कि पिछले बार के मुकाबले थोड़ा इंप्रूवमेंट बताया जा रहा था, जिसके चलते हमने प्राइसेस में गिरावट देखी। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो पिछले साल स्टॉक टू यूज रेशियो के मुकाबले हमने थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखी, बट प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने थोड़ा इंप्रूवमेंट आते हुए देखा, जिसकी वजह से गिरावट आई थी। बट आगे जाके डिमांड वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये देखिए पिछले साल जो अराइवल था वो 31.6 लेक बैल के आसपास था, जो इस बार घटकर 12.58 हो चुका है। तो मतलब फार्मर भी लोअर लेवल्स पे माल बेचने के इच्छुक नहीं है, और पैंडेमिक के बाद अब डिमांड इंप्रूव हो रही है। तो ये सबको देखते हुए हमें लगता है अगले 2-3 महीनों के अंदर कॉटन के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है, क्योंकि शॉर्टेज वाला ईयर फिर से बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्रोडक्शन में तो तेजी आई है
बट कहीं ना कहीं कंजम्पशन भी इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि कैरियर स्टॉक हमारा काफी कम है। तो ओवरऑल हमें लगता है चार्टिकली अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस ने लगभग 28,000 का लेवल छुआ था एक बड़ी रैली करने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते 50 से 51,000 के लेवल छुए थे और अब बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पे प्राइजेस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टेम्पररी अगर हम महीने भर की 15-20 दिन की आउटलुक की बात करें क्योंकि RSI भी ओवरसोल्ड जोन से अब निकलने की कोशिश कर रहा है तो एक जंप आ सकता है जो 36 से 38,000 तक का ये जो जोन है इंची मीको तक यहाँ तक प्राइजेस में गेन दिखा सकता है क्योंकि विंटर्स भी इस बार भरपूर है और विंटर्स में ज्यादा करके कॉटन की डिमांड भी बढ़ती है। तो टेक्निकल फंडामेंटल सभी के तौर पे अगर हम देखें तो कॉटन में एक अच्छी तेजी बन सकती है। कॉटन और कॉटन सीड ऑयल की का अगर रेशियो भी देखें तो अब तक जो गिरावट थी ये यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल अगर हम सम अप करते हैं तो हमें लगता है कि कॉटन के फंडामेंटल काफी मजबूत है एज ऑफ नाउ और आने वाले दिनों में कॉटन में एक तेजी का रूप बन सकता है जो 38,000 तक का लेवल आराम से दिख रहा है। जी तो ये कॉटन के अंदर में किडिया जी कह रहे हैं और अजय सर अगर मुझे सही याद है तो आपने पहले भी हमें कॉटन दिलवाया था और उसमें बढ़िया मुनाफा हुआ होगा। ये जो बढ़िया ऊंचाई तक हमने देखा है तो निश्चित रूप से जिन दर्शकों ने जिन लोगों ने उस पर काम किया होगा उनको बढ़िया मुनाफा हुआ होगा। उसके बाद एक करेक्शन आया और उस करेक्शन के बाद में आप कह रहे हैं फिर से सपोर्ट ले रहा है और दोबारा से अपॉर्चुनिटी निकल रही है। तो जो लोग उस राइड को मिस कर गए थे उनके लिए एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी है सफेद सोने के अंदर में दोबारा से निवेश करके ट्रेड करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया सर। जैसे बढ़िया जानकारी बढ़िया चीजें आपने बताई और ये हर बार आपके साथ में जुड़ते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए और ये बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक यू।